पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस बार भी उसने कुछ ऐसा किया है जिसे सुनेंगे तो आपका खून भी खौल उठेगा। दरअसल पाकिस्तान ने अपने एक टूलकिट के जरिए भारत को बदनाम करने की साजिश रची है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा। कहने को तो वो भारत को अपना हमसाया मुल्क बताता है, भारत को अपना बड़ा भाई भी बताता रहा है, लेकिन इन डिप्लोमेटिक वाली चिकनी चुपड़ी बातों को मौके मौके से वो मौका परस्ती की भट्टी में झोंकता भी रहा है। भारत के खिलाफ इस तरीके से सक्रिय रहने की उसकी फितरत पुरानी है, लिहाजा आदतन उसने एक बार फिर ऐसी हरकत कर डाली है जिसे सुनेंगे तो आपका खून भी खौल उठेगा। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की एक ऐसी टूलकिट का खुलासा हुआ है जिससे ये पता चला है कि उसने एक ऐसा भारत विरोधी अभियान चलाया जिससे मुस्लिम देशों के बीच भारत के खिलाफ नाराजगी को बढ़ाया जा सके। इतना ही नहीं, अरब देशों में भारत विरोधी सुर को मुखर करने के लिए उसने कई भारतीय पत्रकारों और कई नेताओं के झूठे सोशल मीडिया अकाउंट का भी सहारा लिया। बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा की पैगंबर साहब पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद भारत में उपजी नाराजगी को पाकिस्तान ने एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और इसके जरिए उसने एक भारत विरोधी अभियान शुरू कर दिया जिससे उसका मकसद भारत की छवि दुनिया के सामने धूमिल करना था। हालांकि बीजेपी की ओर से नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था और भारत में ये मामला शांत भी होने लगा था। इसके बावजूद पाकिस्तान ने भारत को बदनाम करने के मकसद से बेहद सुनियोजित ढंग से एक कैंपेन चलाया और अपने टूलकिट के सहारे उसने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी बातें जमकर फैलानी शुरू कर दी ताकि मुस्लिम देशों में लोगों के मन में भारत के प्रति नाराजगी को पैदा किया जा सके। आपको बता दें कि नूपुर शर्मा के बयान को लेकर मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने भी आलोचना की थी जिसके बाद कई मुस्लिम देशों ने भारतीय राजदूतों को तलब कर अपनी आपत्ति जताई थी। इस बीच कुवैत में भारतीय सामानों के बाइकआउट से जुड़ी कुछ खबरें भी सामने आई थीं। आपको बता दें कि बीजेपी ने नूपुर शर्मा के बयान पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उनकी पार्टी से प्राथमिक सदस्यता को रद्द कर दिया था और उन्हें निलंबित भी कर दिया था। साथ ही ये भी स्पष्ट किया था कि वो एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।